हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यार, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो संडे की शाम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, कॉपीराइट आ जाएगा मोटे। और हम लोग सुबह से यार धूप के इंतज़ार में थे, बट बिल्कुल भी धूप नहीं आई। एनीवेज, तो आई होप आप सबको मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया का, जो कि था मेरी बर्थडे पार्टी, विच वॉज आई एम लविंग इट। तो यार अभी नेक्स्ट व्लॉग आप जो आने वाला है, अभी जो आप देखने वाले हैं इसके बाद, वो है अनबॉक्सिंग ऑफ माय बर्थडे गिफ्ट्स, जो कि बहुत 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 प्यार भरे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मैंने उसका पहले मैंने सोचा था बर्थडे के ही व्लॉग में उसको डाल दें, बट वो व्लॉग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच हो जा रहा था, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा था, तो मैंने उसको इस पर डाल दिया। तो लेट्स गो एंड चेक आउट व्हाट आई गॉट फॉर माय बर्थडे, लेट्स गो। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला गिफ्ट मैं खोलूँगी ये चॉकलेट के साथ, चॉकलेट के साथ। और ये मुझे याद है, मुझे ये रितु ने दिया है, मेरी सबसे छोटी क्यूट सी फ्रेंड, बस अभी 4 साल की है, तो बहुत प्यार से लाकर उसने मुझे दिया था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ओ माय गॉड, आई थिंक ये बहुत ही क्यूट सी कोई चीज़ है, बट ये क्या है अभी देखा नहीं है। ओ सो क्यूट, ये देखिए BTS का, सो क्यूट, कितना प्यारा है ये। थैंक यू सो मच रितु, थैंक यू सो मच इतने प्यारे क्यूट से गिफ्ट के लिए। मतलब यार कितना अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है, बाहर से भी एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारी सी चीज है यार। एंड विद दिस लवली चॉकलेट, हाँ एक चॉकलेट भी साथ में। थैंक यू रितु, कितनी क्यूट है, बहुत ज्यादा। इसका हम साइन में रखेंगे। अब हम अगला देखेंगे, अपनी ये मेरी दूसरी फ्रेंड है ज्योति, उसकी तरफ से देखते हैं। सबने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए हैं, रितु का तो गिफ्ट भी उसी की तरह सॉफ्ट था, वो खुद भी इतनी प्यारी थी, ठंडी में हाथ भी नहीं काम कर रही हाँ नहीं कर रही यार, सीजर लेके बैठना चाहिए था। अरे ठीक है ना, अब तो क्या लगा था, फटाफट से निकाल ली। इसमें फिर से एक टेप है, टेप पे टेप, टेप पे टेप। ज्योति मेरे संग आते हैं। ओ वाओ, इसे कैसे पता था कि मैं एप्पल की लवर ज्योति, तुम्हें कैसे पता था? एप्पल वॉच फाइनली मेरे पास है, एप्पल वॉच। ये एक बढ़िया सा पेन स्टैंड है, मतलब, और यहाँ पे अपने कार्ड्स वगैरह सब कुछ, ये काफी ज्यादा प्यारा है। थैंक यू ज्योति, थैंक यू। इसको इसी में रख दूंगा, अभी ना टूट जाएगा, वरना इसका थोड़ा टाइम ठीक करना पड़ेगा, 12 बज रहे हैं इसके हिसाब से अभी तक। तो ये है हमारा सेलिब्रेशन का बॉक्स, ये मुझे दिया था नितिन ने, इसे खोल के देखते हैं इसमें कौन कौन सी चॉकलेट्स है, मजा आएगा। वैसे अभी हम इसको खाएंगे नहीं, खाएंगे हम लोग इसको सुबह, हाँ ठीक है, कि अभी हम इतना फुल है ना, हमने इतना कुछ खा रखा है ना, यानी चॉकलेट तो इस तरीके से टेपिंग कौन करता है, हम क्या इनकी चॉकलेट दुकान में घिस के चुराने वाले थे जो इन्होंने, हम लोग ऐसे ही खाने वाले थे। ओ, 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 ओ लगा देते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो गाइस, बचपन की यादें ताज़ा करते हुए इतनी सारी चॉकलेट, जेम्स, बचपन की यादें, 5 स्टार डेरी मिल्क, जेम्स, एक छोटू सी 5 स्टार, ढेर सारी डेरी मिल्क। तो अभी तो ये पूरा भरा है, कल सुबह राजीव नाम के एक हमारे है ना प्यारे से गोलू मोलू, वो उठ जाएंगे और ये डब्बा पूरा खाली हो जाएगा, इसमें से 2 पैकेट तो बूजो ही खा जाएगा है, एक आध प्रियंका चोरी करके ले जाएगी, जो बजे बचेगा और राजीव खा लेंगे, और जब तक हम सो के उठेंगे इसका बस ये प्लास्टिक मिलेगा विद दिस, हाँ विद दिस सीरियसली। और फिर उसको भी हम इसलिए होंगे, हम जाकर उसको डस्टबिन में डाल करेंगे यार, जब कुछ है ही नहीं। तो ये है नितिन की तरफ से, थैंक यू भाई। अब हम हरजीत का गिफ्ट, ये है हरजीत का गिफ्ट, मेरा एक फ्रेंड है, इसको आपने कई बार व्लॉग्स में देखा ही होगा, तो ये उसने मुझे दिया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या है। ओ शॉपकीपर है, वो पैकिंग भी बहुत जबरदस्त की है उसने। ओपन,
लिखा है ओपन सीक्रेट सीक्रेटली ओपन कर भाई चाबी भी बनी है हरजीत ये सब तुम्हें मेरे साथ ही क्योंकि कैसे इट्स अ बिग प्रैंक ये भयानक हो गया ओ वाओ ये वाकई में एक सीक्रेट है क्योंकि इसको ओपन करने के बाद भी अभी भी आई एम क्लूलेस कि ये एक्चुअल में है क्या ओके ये पीनट बटर कुकीज है वाओ वाओ अमेजिंग दिस इज समथिंग न्यू है ना ये काफी न्यू है कुछ ना वाओ इसमें व्हाइट चॉकलेट कुकीज मतलब अच्छा तो गाइस डिफरेंट फ्लेवर हां बेस्ड ऑन कलर्स जैसे वायलेट कलर में अलग फ्लेवर है इसमें अलग है ब्लू में अलग है ये जबरदस्त है इसको सुबह हम ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल थैंक यू हरजीत थैंक यू सो मच एक के बाद एक मिरेकल से गिफ्ट मिलते जा रहे हैं हाँ ये खोलते हैं ये मुझे याद है मुझे ये दिया है प्रिशा ने और देव ने फेरो रोशर ऐसे यार एक टाइम मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था मरे जाते थे इसके लिए पता नहीं लगता था कि क्या US डॉलर वाली चॉकलेट्स खा रहे हैं अमेरिका वाली चॉकलेट्स खा रहे हैं पता है गाइस एक टाइम ये वाली चॉकलेट थैंक यू प्रिशा थैंक यू देव फॉर दिस मुझे पता है इसमें क्या आई कैन फील इट बस इसको सुबह खोलूँगी अगर अभी खोला तो सुबह तक गुजो आ जाएगा गुजो खुशबू से सब कुछ ढूंढ लेता है बड़ा पता नहीं है अब हम गिफ्ट खोलेंगे मेरी दीदी का उषा दीदी का तो दीदी ने इतनी सारी मतलब इतनी सारी स्वीट्स दी थी इतनी सारी चीज़ें दी थी कि उस टाइम पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि उन्होंने आते साथ ही शी हैंडेड ओवर टू मी कि हैप्पी बर्थडे दीपिका उस टाइम पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी खोल के क्या दीदी क्या है लेकिन मैंने कहा नहीं 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 मैंने कहा अपने आप को बचा के रखना और अनबॉक्सिंग के टाइम पर ही देखना है अब देखने जा रहे हैं तो भाई साहब खुशियों का पिटारा सबसे पहले मेरा फेवरेट फेरो रोशर हर्शीज किसेस की चॉकलेट्स अमेजिंग ओ माई माय ओ भाई साहब ये सब छुपाने वाली चीज़ें इनको छुपाना पड़ेगा इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट दीदी लेकर के आई है ये देखिए गाइस इसमें से एक राजीव के लिए एक मेरे लिए ऐसे लाई है दीदी थैंक यू सो मच इतनी सारी चॉकलेट्स की गाइस इसमें एक चॉकलेट और है तो ये एक तरीके से एक चॉकलेट बॉक्स है यस मिनी चॉकलेट बॉक्स मिनी चॉकलेट बॉक्स हर तरीके की चॉकलेट वैरायटी हाँ जैसे कैडबरी का पूरा बॉक्स बनता है ये एक बैग बन गया अभी हम खोलेंगे ये मेरी फ्रेंड गोल्डी ने दिया है वो भी पास में रहती है तो गोल्डी का गिफ्ट चेकआउट करते हैं क्या है यहाँ से खुल जाएगा गाइज बिकॉज आई एम मैरिड तो प्रॉपर एक के जैसे मैरिड वुमेन को दिया जाता है ना प्रॉपरली उसने ऐसे दिया है दिस इज सो स्वीट थैंक यू सो मच गोल्डी इतने प्यार से इस तरीके से मतलब देने के लिए और ये आई गेस गाइज एक सेकेंड इसको ओपन करके बताते हैं हम आपको आई बिलीव ये कोई गरम सूट है ना क्योंकि यहाँ गला बना है तो गाइस ये एक सूट उसने मुझे दिया है गरम सूट और ये उसने प्रॉपर ट्रेडिशन के हिसाब से दिया है कि हिंदू कल्चर में कैसे बिल्कुल बिल्कुल ये सिंदूर भी है बिंदी भी है और बिंदी भी है यहाँ पे पूरे उसके हिसाब से दिया है थैंक यू गोल्डी ये बहुत ब्यूटीफुल है गरम सूट है ये प्रॉपर है ना गरम थैंक यू सो मच और अब हम खोलेंगे हैमलेस दिस इज फ्रॉम रियांश एंड आत्विक तो चलिए क्यों पैकिंग है इसकी हाँ ये नोएडा से दीदी ने दिया है क्यों ये रियांश और आत्विक ने मेरे लिए भेजा है बिकॉज रियांश के कुछ इम्पोर्टेंट काम थे उसके स्कूल में तो वो नहीं आ पाया और आत्विक को कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स अपनी निपटानी थी अपनी पूरे एक साल का हो गया ना गाइस ही इज़ वेरी बिजी इसलिए वो लोग नहीं मामे को नहीं भूले
हाँ इसलिए वो मामी को नहीं भूले दोनों, बिल्कुल नहीं भूले मामी के लिए गिफ्ट जरूर, उन्होंने कहा हम कितना भी बिजी होंगे हम अपनी मामी के लिए जरूर से गिफ्ट भेजेंगे। तो मेरे बच्चों ने मेरे लिए भेजा है, खुल तो मेरा यार, फाइनली ओ माय गॉड, थैंक यू अद्दू, थैंक यू रियांशु, एक और प्यारा सा चॉकलेट बॉक्स। भाई साहब इतनी चॉकलेट खा के तो मैंने मोटा हो जाना, बट पता नहीं मोटे होंगे कि नहीं। थैंक यू अद्दू, थैंक यू रियांशु, ये भी एक चॉकलेट बॉक्स है सेलिब्रेशन, ये मेरे भाई ने दिया है, इसको भी खोल के हम वैसे दिखा देते हैं आपको, बट है सब में सेम, ज़्यादा दिखाएंगे तो कल आ जाएंगे सब लोग लेने के लिए। चलो लाओ एक चॉकलेट खिलाओ, फिर कहेंगे ये मैंने बर्थडे के लिए दिया था, आज मुझे खिलाओ। नहीं नहीं नहीं, कहेंगे जरा एक चखाओ यार, और चखने के नाम पे गए तीन चॉकलेट खा दे, तीन चॉकलेट में कौन चखता है। तो ये मेरी सारी चॉकलेट्स, ये रही दो जेम्स, फाइव स्टार, छोटू सी फाइव स्टार, बड़ी फाइव स्टार, सारी डेयरी मिल्क, ईच एंड एवरी थिंग। अभी इसको रख देते हैं और जल्दी से रख नहीं देते हैं, छुपा देते हैं। इस फीलिंग लाइक जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे और फिर फ्रेंड्स वगैरह ला के देते थे, वही तो इसीलिए तो ऐसे सारा कि सारा अनबॉक्सिंग करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्योर क्रिश का गिफ्ट, लेट्स ओपन इट। इसकी भी अच्छा मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि पीयू ने डायरेक्टली मुझे हैंड ओवर किया था, बट हमने उस टाइम पे भी अपने दिल को पूरा संभाला, बट यू नो गाइस जो गिफ्ट ज़्यादा पैक नहीं होते हैं पहले, हाँ उसकी खुशी। अब मैं जाकर गाइस ये बैग, अबे यार ये बैग मुझे चाहिए था बहुत टाइम से लिटरली, बट ऑनलाइन दिख रहा था बट हम इसलिए नहीं ले रहे थे कि साइज का इशू ना हो जाए करके, बिकॉज मुझे लिटरली ये साइज चाहिए था। थैंक यू पीहू, थैंक यू सो मच, और आई एम श्योर कि ये दीदी पसंद करके लाएंगी, थैंक यू दीदी। मैं पर इसको पहले पूरा खोल लूँ ना, एक बार आपको कैरी करके भी दिखाते हैं कैसा लगा है ना। ओ भाई अब अभी चाहिए तो खुलेगा नहीं, हाँ क्योंकि मुझे अभी चाहिए तो नहीं खुलेगा, नहीं चाहिए होता तो अभी तुरंत खुल जाता, एक बार में इसकी टेप ऐसे निकल जाती ना, लगी तो नहीं, नहीं। वाह ओ माय गॉड, सो कूल, प्रिटी कूल, एग्जैक्टली ये बहुत ही कूल है, दिस इज अ वेरी सेक्सी गॉर्जियस बैग। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू पीहू, बहुत ही प्यारा है यार, बहुत अच्छा कलर भी और वैसे भी। ऐसा ही चाहिए था, ऐसा ही चाहिए था, बहुत अच्छा है, बहुत प्रिटी, इतना क्यूट सा है ना, बहुत क्यूट कैरी करने के लिए, वाओ थैंक यू सो मच। हे गाइस तो आई होप आप सबको मेरा ये अनबॉक्सिंग ऑफ माय बर्थडे गिफ्ट्स का वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ तक के सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा बड़ा थैंक यू आप सबको, और आगे इसी तरह बने रहिएगा और न्यू व्लॉग्स के लिए, आपके साथ इसी तरह अपने प्यारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स शेयर करते जाएंगे, एंड सून आई विल बी कमिंग अप विद न्यू वीडियोस, और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की पूरी 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 कोशिश करेंगे जैसे जैसे टाइम अरेंज होता रहेगा उस अकॉर्डिंग, क्योंकि यार काम भी है, कॉलेज भी है, एंड यू नो इट्स अ वेरी बिजी लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा, पूरा दिन कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता मतलब। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो के लिए बने रहें, इसी तरह अपना प्यार देते रहें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच, टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड एंजॉय योर डे, बाय।